इंदौर में निगम सभापति के रूप में भाजपा आलाकमान ने मुन्नालाल यादव के नाम पर मुहर लगाई है, जिसको लेकर हमने पहले ही संभावित सूची में मुन्नालाल यादव को सभापति का प्रबल दावेदार बताया था। वहीं किस तरह से मुन्नालाल यादव सभापति के पद तक पहुंचे हैं, देखिए हमारी यह खास इनसाइड स्टोरी। इंदौर नगर निगम के सभापति बने मुन्नालाल यादव। मुन्नालाल यादव को माना जा रहा था प्रबल दावेदार। भाजपा ने यादव के जरिए साधा ओबीसी समीकरण। रायशुमारी में सबसे ज्यादा पार्षदों की पसंद है यादव। तो अब इंदौर के वार्ड 27 से पार्षद मुन्नालाल यादव इंदौर नगर निगम के सभापति होंगे, जिसके पीछे भाजपा की एक खास रणनीति देखने को मिल रही है। इस रणनीति में कई चीजें खास हैं, जैसे कि मुन्नालाल यादव का अनुभव, यानी कि वो 6 बार के पार्षद हैं। उनका सरल, सहज और हर किसी से घुल मिल जाने का स्वभाव है। साथ ही उनको भाजपा के साथ साथ कांग्रेस में भी खासा पसंद किया जाता है। तो ये कुछ पहलू थे जिसके दम पर रायशुमारी के बाद सबसे ऊपर उनका ही नाम सामने आया। मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि सदन नियम से चलेगा और सबके सदन की गरिमा बनी रहे, पार्षदों का सम्मान बना रहे, सबको जनहित में जो भी बात रखना हो वो उसको पर्याप्त मौका मिलेगा और शहर हित में किसी भी सदस्य को अपनी बात रखना हो, शहर के हित के लिए अच्छे सुझाव देना हो, उनकी सब सुनी जाएगी। जन जो समस्याएं हैं, जो जन कल्याण के कार्यक्रम हैं, केंद्र की राज्य की योजनाएं हैं, उनका लाभ सबको मिले। जो भी अपनी बात सदन को जो भी सदस्य अगर बताना चाहेगा तो उसकी बात सदन सुनेगा और उस पर हम पर्याप्त समय दे के चर्चा कराएंगे और सदन नियम से चले। किसी को भी ये सदन को राजनीतिक का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। उसको राजनीतिक का उपयोग कोई सदन लेना चाहे तो वो भी हम उसको नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। हम ये भी विश्वास। वही मुन्नालाल यादव की ताजपोशी में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी करीबी भी काफी काम आई, क्योंकि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर ही उनके साथ शुरू किया था, जिन्हें समय समय पर कैलाश विजयवर्गीय की मदद मिलती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।